नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नागौर डॉट कॉम में आपका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल ने घोषित किया आरएलपी उम्मीदवार नारायण बेनीवाल को बनाया प्रत्याशी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस उपचुनाव में नारायण लाल बेनीवाल आरएलपी में खींवसर प्रत्याशी होंगे। इस घोषणा के बाद अब 30 सितंबर को आरएलपी उम्मीदवार नारायण अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश के नागौर और झुंझुनू जिले में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव 21 अक्टूबर को कराए जाएंगे। नागौर की खींवसर और झुंझुनू की मंडावा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना 23 सितंबर को जारी हो चुकी है। खींवसर से विधायक बेनीवाल और मंडावा से विधायक नरेंद्र खींचड़ के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गई थी। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच उपचुनाव में भी गठबंधन जारी रहेगा। इसका ऐलान गुरुवार को दोनों पार्टियों के नेताओं ने राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और आरएलपी मिलकर लड़ेगी, वहीं मंडावा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और वहां आरएलपी उसे सहयोग करेगी।